أيامرك النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء أيامرك النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सवाल, किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना कुफ्र है? ये इबारत बहेश्ती जेवर की है। पूछना ये है कि अगर कोई शख्स किसी इंसान को सजदे ताज़ीमी करे तो क्या वो काफिर हो जाएगा, या ताज़ीमन किसी के पैरों को छूने के लिए झुके तो क्या वो इंसान ऐसा करने से काफिर हो जाएगा, या ताज़ीम के लिए किसी के सामने थोड़ा सा झुके या रुकू की शक्ल बना ले और नीयत ताज़ीम की हो न बल्कि इबादतन झुकना हो तो क्या ऐसा करने से वो काफिर हो जाएगा, और तस्वीर की तरह खड़ा रहने से क्या मुराद है? क्योंकि फौजी भी अपने अफसरान के सामने साकित खड़े रहते हैं तो क्या ये कुफ्र है? जवाब, हदीस शरीफ में आया है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करें। हमें मस्जूद व माबूद सिर्फ अल्लाह को ही समझना चाहिए। पिछली शरीयत में जायज़ था मगर हमारी शरीयत में ममनू हो गया, या गैर कौमों का जो रिवाज है वो भी हमारी शरीयत में ममनू है। हमारे यहाँ वहदानियत और इबादत व इताअत महज अल्लाह के लिए होने का बहुत अहतमाम है। ऐसा कोई फ़ैल जिससे कुफ्र की मुशाबहत होती है उसे भी मना किया गया है। किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना यानी उसे अपना मस्जूद के लायक समझकर उसके सामने खड़ा रहना या सजदे ताज़ीमी करना ये भी एक किस्म की गैरुल्लाह की परस्तिश है और पहले कुफ्र के मुशाबे है, इसलिए इन उमूर से भी मना किया गया है। अगर कोई किसी के सामने उसकी इबादत करने की नीयत से उसको सजदा करता है या रुकू करता है तो जाहिर है कि ये सरीह कुफ्र है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन, अपने उस्ताद या अपने पीर के कदमों को छूने के लिए झुके तो ये कुफ्र न होगा। इसी तरह फौजी जो अपने अफसरों के सामने साकित खड़े रहते हैं ये भी कुफ्र न होगा। अगर कोई थोड़ा सा ताज़ीमन किसी के लिए झुके तो ये भी कुफ्र न होगा, लेकिन ये सब ममनू है। अल्लाह तबारक व ताला हमें गैरुल्लाह के सामने झुकने और किसी को अपना माबूद समझकर झुकने से बचाए। आमीन।